हेलो एंड वेलकम टू सिंपल स्टाइल कुकिंग। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वेज मैगी की रेसिपी। मैगी तो हम अक्सर अपने घर में बनाते ही हैं, पर इस मैगी को मैंने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाया है। उम्मीद करती हूँ कि पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाकर ऑल ज़रूर करें, जिससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आज की रेसिपी। So let's begin. वेज मैगी बनाने के लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके एक पैन चढ़ाएंगे और इसमें हम ऐड कर देंगे एक बड़ा चम्मच तेल। तेल को आप अच्छी तरीके से गर्म हो जाने दें। जैसे ही तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ का प्याज, जिसे मैंने इस तरीके से लंबे लंबे टुकड़ों में कट कर लिया है, और इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें 1 से 1.5 मिनट के लिए कुक कर लेना है। इसे हमें ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का सा पिंकिश कलर में आ जाए बस उतनी देर तक ही हमें इसे फ्राई करना है। यानी कि इसका जो कच्चापन है ना, बस वो चला जाए, बस इतनी दूर तक हमें इसे फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 से 1.5 मिनट हो गया है और हमारा जो प्याज है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन। तो यहाँ पर मैंने 7 से 8 लहसुन की कलियाँ ले ली हैं, जिसे मैंने मोटा मोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। उससे क्या होता है ना, मैगी में एक बहुत ही अच्छी सी बाइट आती है। तो लहसुन ऐड करके हम इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे हरी मिर्च। तो यहाँ पर मैंने लगभग 3 हरी मिर्च ले लिया है, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे भी हम ऐड करके अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमें लगभग 10 से 15 सेकेंड के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक कर लेना है। तो यहाँ पर हमारा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च जो है वो कुक हो गया है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी टमाटर। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ एक मीडियम साइज़ का टमाटर, जिसे मैंने बारीक कट कर लिया है। इसे डालकर हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। टमाटर को जल्दी से सॉफ्ट करने के लिए मैं इसमें ऐड कर दूंगी ज़रा सा नमक। नमक ऐड करने से टमाटर जो है वो बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। नमक ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर ये हो गई है मिक्स, और अब मैं इसे ढककर लगभग 1 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। फ्लेम अप मीडियम टू लो के बीच में रखें। तो यहाँ पर लगभग 1 मिनट हो गया है। लिड उठाकर एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो टमाटर है ना, वो हल्का सा सॉफ्ट हो गया है। तो इसे कुछ इस तरीके से हम दबा देंगे ताकि हमारा जो टमाटर है वो हल्का सा मैशी हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे हल्का सा दबा दिया है और हमारा जो टमाटर है वो हल्का सा सॉफ्ट दिख रहा है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी शिमला मिर्च। तो यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च लिया है, जिसे मैंने लंबे लंबे टुकड़ों में इस तरीके से कट कर लिया है। शिमला मिर्च को मैंने लास्ट में ऐड किया है, क्योंकि शिमला मिर्च जो है ना वो बहुत ही जल्दी पक जाती है, इसीलिए मैंने इसे लास्ट में ऐड किया है ताकि उसका जो क्रंच है वो बना रहे। शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है, और अब हम इसे ढककर लगभग 1 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि हमारी सारी सब्जियाँ जो है वो हल्का सा सॉफ्ट हो जाए। सब्जियाँ आप अपनी पसंद की कोई भी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च ऐड किया है। आप चाहें तो इसमें स्वीट कॉर्न्स भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगभग 1 मिनट हो गया है, और अब हम इसका लिड उठाकर एक बार इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो ये वेजी का मिक्सचर है वो बनकर तैयार है। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी पानी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ लगभग 2 कप पानी, क्योंकि मैं यहाँ पर 2 पैकेट मैगी का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पानी ऐड करके एक बार इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर ये 6 पैक वाला जो मैगी आता है उसका इस्तेमाल कर रही हूँ, पर मैं इसमें सिर्फ 2 ही पैकेट का इस्तेमाल करूँगी। और मैगी के साथ ये जो टेस्ट मेकर आता है ना, वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर मैं ये 1 पैकेट ऐड कर रही हूँ, और अब मैं ये 2 पैकेट ऐड कर रही हूँ। और अब हम इसे अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। तो मैं इसमें एक्स्ट्रा नमक नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टेस्ट मेकर में भी नमक होता है, प्लस हमने टमाटर को पकाते समय भी नमक ऐड किया था। फिर भी आपको नमक कम लग रहा है तो आप इसमें और नमक ऐड कर सकते हैं। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये मैगी के 2 पैकेट, और इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। मैं इसे तोड़कर नहीं ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाता है। तो अब मैं इसे ढककर कुक करूँगी लगभग 1 मिनट के लिए।
फ्लेम आप मीडियम टू लो के बीच में रखें और इसे आप लगभग एक मिनट के लिए कुक कर लें। तो यहाँ पर लगभग एक मिनट हो गया है, लेड उठाकर एक बार चेक करेंगे तो मैगी को हम कुछ इस तरीके से एक बार पलट लेंगे। तो ये देखिए हमारा मैगी जो है वो सॉफ्ट हो गई है। ये दूसरा मैगी भी इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये देखिए ये काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। और अब हम क्या करेंगे ना, इसे अच्छे तरीके से वेजीज़ में मिक्स कर लेंगे। तो मैंने इसीलिए इसे नहीं तोड़ा था क्योंकि ये बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाती है। आप चाहें तो इसे तोड़कर भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं जो है ना फ्लैट पैन में इसे बना रही हूँ तो इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, तो मैंने इसे नहीं तोड़ा है। और अब मैं इसे अच्छे तरीके से एक बार मिक्स कर लूँगी वेजीज़ के साथ। तो यहाँ पर मैंने इसे मिक्स कर लिया है और अब हम वापस से इसे ढककर लगभग एक मिनट के लिए फिर से कुक कर लेंगे। तो यहाँ पर लगभग एक मिनट हो गया है, लेड उठाकर एक बार हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मैगी को आप हर एक से दो मिनट के लिए मिक्स कर लें, नहीं तो क्या होता है ना मैगी नीचे जाकर लग जाती है, तो इसे एक बार मिक्स करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो इसे मैं एक बार इस तरीके से फोक से मिक्स कर लेती हूँ ताकि ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी काली मिर्च का पाउडर लगभग आधी छोटी चम्मच। जब मैगी 80-90% तक हो जाए तभी आप इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड करें, यानी कि लास्ट में काली मिर्च का पाउडर हमें इसमें ऐड करना है और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको थोड़ी सी गीली मैगी पसंद है तो इस समय आप इसका गैस बंद कर सकते हैं, पर मुझे थोड़ी सी ड्राई मैगी पसंद है इसीलिए मैं इसे थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ, यानी कि इसका पानी जो है वो सुखा लेती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी जो मैगी है वो काफ़ी ज़्यादा ड्राई हो गई है और ये एकदम ज़बरदस्त लग रही है ना। और अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी बटर। तो यहाँ पर मैं लगभग एक चम्मच भर के बटर ऐड कर रही हूँ इसमें और इसे हम अच्छी तरीके से एक बार मिक्स कर लेंगे। बटर ऐड करने के बाद आप इसे लगभग 15 सेकंड के लिए कुक कर लें, जिससे बटर का जो टेस्ट है ना वो मैगी में आएगा और हमारा जो मैगी है वो बहुत ही ज़्यादा डिलिशियस बनेगा। तो यहाँ पर मैंने बटर को अच्छी तरीके से मैगी में मिक्स कर लिया है और यहाँ पर हमारा जो मैगी है वो बनकर तैयार है। गैस कर लेंगे बंद और इसमें हम ऐड कर देंगे ज़रा सा धनिया पत्ता। तो यहाँ पर हमारी सुपर डिलिशियस और इजी मैगी बनकर तैयार है। इसे बनाना तो बहुत ही आसान है पर इसका जो टेस्ट है वो अल्टीमेट आता है। एक बार आप इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। तो अगर आपको मेरी आज की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।